हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अमित। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि HDFC ने लॉन्च कर दिया है कि इंस्टेंट सेविंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं ऑनलाइन HDFC के ऑफिशियल वेबसाइट में जाके, और इंटरनेट बैंकिंग का भी बेनिफिट ले सकते हैं। तो इसके लिए हमें जाना होगा HDFC के ऑफिशियल साइट्स में, HDFCbank.com। इसमें जाएंगे हम, उसमें सेविंग अकाउंट के ऑप्शन में जाके कर सकते हैं। और दूसरा ऑप्शन है आस्क ईवा करके, यहाँ ऑप्शन है। यहाँ आप देख पा रहे हैं कि नीचे ओपन इंस्टा अकाउंट लिखा हुआ है, यहाँ पे हम क्लिक कर देंगे तो इस तरह का कुछ इंटरफेस आ जाएगा। तो यहाँ देख पा रहे हैं सेविंग अकाउंट लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे हमें जो भी अकाउंट, जैसे कि यहाँ पे सेविंग मैक्स अकाउंट दिख रहा है, ओपन इंस्टेंटली लिखा हुआ है। तो यहाँ से क्लिक करके हम इंस्टेंटली ओपन कर सकते हैं। हमें जो किसी भी प्रकार का अकाउंट ओपन करना है, टाइप्स ऑफ सेविंग अकाउंट है, उसको ओपन हम कर सकते हैं। तो हमें ओपन करना है वुमन सेविंग अकाउंट, तो इसमें हम ओपन इंस्टेंटली पे क्लिक कर देते हैं। तो इस तरह का कुछ इंटरफेस आएगा, प्रोसेसिंग हो रहा है। सिंपली हमें आधार कार्ड और पैन कार्ड का यूज़ करके हम इंस्टेंटली अपना अकाउंट, कस्टमर आईडी और अकाउंट नंबर हमें मिल जाएगा ऑनलाइन इंस्टेंटली। तो चलिए हम यहाँ मोबाइल नंबर हम डाल देते हैं। तो हमने मोबाइल नंबर डाल दिया और कैप्चा फिल कर दिया। यहाँ बॉक्स को टिक मार्क करेंगे, टर्म्स एंड कंडीशन को हम, ये कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। KYC डॉक्यूमेंट्स पूछ रहा है कि आप किस, हमें जो है कौन किस टाइप का KYC डॉक्यूमेंट्स सबमिट करना है, आधार सबमिट करना है या ड्राइविंग लाइसेंस। तो यहाँ पे ऑप्शन आ जाते हैं, तो यहाँ पे हमें सिलेक्ट करना है आधार। आधार से ही इंस्टेंटली अकाउंट खुल पाएगा। तो चलिए क्लिक कर देते हैं KYC डॉक्यूमेंट्स पे आधार। यहाँ पे पूछ रहा है सिलेक्ट द प्रेफर्ड लैंग्वेज, तो इसको हम इंग्लिश में ही रहने देते हैं, हम इसको अग्री कर देना है। डॉक्यूमेंट्स टाइप पूछ रहा है, तो यहाँ पे हमें आधार नंबर डालना होगा। यहाँ आधार कार्ड सेलेक्ट करके आधार नंबर डालने के बाद यहाँ से हम इसको कर देंगे प्रोसीड। तो ये प्रोसेसिंग हो रहा है। तब यहाँ पूछ रहा है स्मार्ट अकाउंट एप्लीकेशन, हमें जो है क्विक वेरिफिकेशन एंड फास्टर प्रोसेसिंग ऑफ द एप्लीकेशन यूज बिलो फॉर द आधार ऑथेंटिकेशन। तो यहाँ पूछ रहा है कि हम किस तरह से इसको KYC करेंगे, आधार OTP के थ्रू करेंगे, स्कैन आधार QR कोड करेंगे, कौन सा ऑप्शन है, दोनों में से कोई ऑप्शन चुनना है। तो हम करेंगे आधार OTP के माध्यम से इसको KYC करेंगे, जिससे कि हमें इंस्टेंटली जो आधार में जो मोबाइल नंबर है उस नंबर पर OTP आएगा और उसके थ्रू वेरिफिकेशन होगा, KYC होगा और इंस्टेंटली हमारा जो बैंक अकाउंट ओपन हो जाएगा। तो चलिए हम क्लिक कर देते हैं आधार OTP। हमें स्किप नहीं करना है, तो हमें क्लिक करना है रिक्वेस्ट वेरिफिकेशन कोड, यहाँ पे हम क्लिक कर देते हैं। OTP डाल दिया है हम, अब यहाँ पे आई कन्फर्म टर्म्स एंड कंडीशन इसको हम क्लिक कर देंगे, यहाँ पे चेक बॉक्स को क्लिक कर देंगे और यहाँ प्रोसीड कर देंगे। देखिए यहाँ पूछा जा रहा है कि अकाउंट सिलेक्ट अकाउंट टाइप, किस टाइप का अकाउंट हमें, तो हमें सेविंग अकाउंट को ओपन करना है, तो सेविंग पे क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ से हम कर देंगे कौन सा टाइप का अकाउंट, हमें वुमन सेविंग अकाउंट खोलना है, रेगुलर सेविंग अकाउंट, तो हमें ओपन करना है वुमन सेविंग अकाउंट। तो वुमन सेविंग अकाउंट में हम क्लिक कर देंगे और इसको हम कर देंगे कंटिन्यू। यहाँ से हम स्टेट सेलेक्ट करेंगे, कौन सा स्टेट है, छत्तीसगढ़ बाय डिफ़ॉल्ट इसमें आ जाएगा सिटी। तो यहाँ पे हमें स्टेट, सिटी और जो है ब्रांच नेम सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से हमें कर देना है कंटिन्यू। देख पा रहे हैं फॉर वुमन सेविंग अकाउंट एवरेज मंथली बैलेंस टू बी मेंटेन्ड इस रुपीज, अपलोड योर फोटोग्राफ्स बोला है। प्रीफिक्स में हम डाल देते हैं मिसेस। तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट सारी चीज़ें ले लेगा आधार कार्ड से। तो फ्रेंड्स, यहाँ से हम जो भी जिनके नाम से सेविंग अकाउंट ओपन कर रहे हैं उनका फोटोग्राफ अपलोड कर देना है, और नीचे जाके सारी डिटेल, पर्सनल डिटेल्स डाल देनी है। पर्सनल डिटेल डालने के बाद सबसे नीचे पे भी आपका पैन नंबर डालना होगा। पैन नंबर डालने के बाद उसका फोटोग्राफ भी अपलोड करना है,
और इसको कर देना है प्रोसीड। जैसे आप देख पा रहे हैं इस तरह का इंटरफेस आता है यहाँ पे, ये जो फाइल्स वाले, ये जो फाइल्स में क्लिक करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस आता है। यहाँ पे कैप्चर इमेज का ऑप्शन आएगा, कंप्लीट एक्शन, डाउनलोड्स ऐसा ऑप्शन। तो हमें कैप्चर इमेज करना है, मतलब हम सेल्फी ले सकते हैं। यहाँ कैप्चर इमेज में क्लिक करेंगे तो सेल्फी का ऑप्शन आ जाता है। तो चलिए हम क्लिक कर देते हैं कैप्चर इमेज में। यहाँ पे इसको कैमरा सेलेक्ट कर देंगे या ओपन कैमरा जो भी है इस पर सेलेक्ट कर देंगे। तो हम सेलेक्ट करते हैं कैमरा को, हमने कैमरा सेलेक्ट कर दिया ऑलवेज। तो हमने फ़ोटो भी क्लिक कर रखा है और हमने पैन कार्ड भी हमने अपलोड कर दिया। तो यहाँ से हम इसको कर देते हैं प्रोसीड पे क्लिक। प्रोसीड में क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा जिसमें सारे एड्रेस डिटेल्स पूछे जा रहे हैं, परमानेंट एड्रेस, कम्युनिकेशन एड्रेस, ऑक्यूपेशन और डॉक्यूमेंट्स अपडेट करने को कहा जा रहा है। तो यहाँ पर रेसिडेंट टाइप में हमें क्लिक कर देना है कौन सा रेसिडेंट टाइप है, रेंटेड है, ओन्ड है, तो हमें, हम रेंट पर रहते हैं तो हम इसको रेंटेड में डाल देते हैं। रेसिडेशन स्टेटस रेसिडेंट डाल देते हैं। यहाँ पे जैसे कि डिटेल्स देख पा रहे हैं कि आधार से सारे डिटेल्स फेच कर रखा है, हमें इसमें डालने की ज़रूरत नहीं है। ऊपर जो है आधार के जैसे जो आधार के अकॉर्डिंग जो भी एड्रेस होता है वो बाय डिफ़ॉल्ट ऑटोमेटिकली उसको फिच कर लेता है, तो वो हमारा हो जाता है परमानेंट एड्रेस। अब नीचे यहाँ पे डालना है जो दिस एड्रेस इस में ऑप्शन दिया है, मेलिंग एड्रेस या परमानेंट एड्रेस। तो हम यहाँ पे मेलिंग एड्रेस में क्लिक करके हमारे जो अभी जो फ़िलहाल जहाँ हम रहते हैं उसका एड्रेस हम यहाँ पे डाल देते हैं, क्योंकि इसी एड्रेस पे जो है एटीएम कार्ड, चेकबुक वगैरह जो भी, मेलिंग एड्रेस भी डाल दिया है। और यहाँ से हम इसको कर देते हैं कंटिन्यू। तो फ्रेंड्स मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पे जो है मेलिंग एड्रेस पे क्लिक करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट जो है आधार में जो भी एड्रेस रहेगा उसको फेच कर लेगा। तो हमें यहाँ क्या करना है, मेलिंग एड्रेस हमारा दूसरा होगा तो उसको हमें यहाँ से एडिट करके उसको चेंज करना है, जहाँ पर हम अभी रह रहे हैं उस एड्रेस को हम एडिट करके डाल देना है। तो हमने डाल दिया है और उसको हम कर देते हैं कंटिन्यू। तो यहाँ से हम कंटिन्यू पे कर देते हैं क्लिक। तो चलिए हम यहाँ डाल देते हैं, प्रोसीड करने के बाद ऑक्यूपेशन डिटेल्स डालना है। तो यहाँ हम डाल देते हैं ऑक्यूपेशन अदर्स में डाल देते हैं, किस टाइप का आप जो भी है वो डाल सकते हैं। यहाँ पर सारे डिटेल्स है, अदर्स है, पॉलिटिशियन है, रिटायर्ड है, सैलरीड हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल स्टूडेंट जो भी है वो डाल सकते हैं। तो हम इसको डाल देते हैं अदर्स में या यहाँ टाइप कर देते हैं। फ्रेंड्स यहाँ से हम ऑक्यूपेशन टाइप, ऑक्यूपेशन डिटेल, इनकम डिटेल्स वगैरह डाल देते हैं। अब यहाँ से हम कर देते हैं इसको कंटिन्यू पे क्लिक। तो आईडी एंड एड्रेस प्रूफ दोनों में काम करेगा आधार को, तो उस पर हम क्लिक करके हम इसको कर देते हैं प्रोसीड। प्रोसीड में क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, इसमें नॉमिनी डिटेल्स पूछा जा रहा है, तो चलिए हम इसमें भर देते हैं नॉमिनी डिटेल्स। नॉमिनी डिटेल्स डालने के बाद यहाँ से हम कंटिन्यू पे कर देते हैं क्लिक। इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, यू आर ऑलमोस्ट डन, लगभग हो चुका है। यहाँ पे कंट्री टैक्स डिटेल्स यहाँ पूछा, खाली छोड़ देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, इसको ब्लैंक ही छोड़ दें और कर दें सबमिट। चाहे तो यहाँ से प्रीव्यू भी देख सकते हैं, तो मैं प्रीव्यू नहीं देखूँगा तो मैं इसको सीधे सीधे कर दूँगा सबमिट। प्रोसेसिंग हो रहा है, अकाउंट जो है सक्सेसफुली ओपन हो गया है। नीचे जो है मेरा अकाउंट नंबर है और उसका आईएफएससी कोड है, कस्टमर आईडी भी है साथ में। तो इस तरह से इतनी आसानी से हम ऑनलाइन घर बैठे अकाउंट ओपन कर सकते हैं एचडीएफसी का। तो जैसे कि आप नीचे देख पा रहे हैं क्लिक हेयर टू लॉगिन नेट बैंकिंग ऐसा लिखा हुआ है, तो यहाँ पर अकाउंट नंबर ऊपर लिखा हुआ है वो आपको मैं नहीं दिखा पा रहा हूँ, एंड आईएफएससी कोड भी लिखा हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम चलिए हम इसको शुरू करते हैं नेट बैंकिंग। चलिए हम यहाँ क्लिक हियर जो ब्लू कलर का लिखा हुआ है वहाँ पे हम क्लिक कर देते हैं नेट बैंकिंग एक्टिवेट कराने के लिए। करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है कि यूज़र आईडी या कस्टमर आईडी आपको डालना है, तो हम यहाँ पर डाल देंगे कस्टमर आईडी। आईडी डालने के बाद यहाँ से हम कर देंगे गो। इसके बाद जो हमें इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा, ऊपर दो ऑप्शन मिलेंगे। ये इसमें क्या है, ऊपर वाले ऑप्शन में ये है कि आपको डेबिट कार्ड और जो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे ओटीपी के थ्रू आपको
ऑथेंटिकेट करना है। और दूसरा ऑप्शन में क्या है, दूसरे ऑप्शन में यह है कि आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर, उस पर ओटीपी आएगा, उसके थ्रू आप जो है उसको वेरीफाई करेंगे और आपका नेट बैंकिंग स्टार्ट हो जाएगा। तो हमें सेकेंड वाला ऑप्शन चुनना है, क्योंकि हमारे पास कोई भी डेबिट कार्ड नहीं है, हमने जस्ट अभी अभी अकाउंट ओपन किया है। तो हमें जो है नीचे वाला ऑप्शन चुनना है, और नीचे जो कैप्चा दिख रहा है, यहाँ पे जो कैप्चा दिख रहा है उसको हम फिल करके उसको कंटिन्यू में क्लिक कर देंगे। यहाँ पे कहा जा रहा है कि बैंक में जो भी आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर है, हमने अभी जो रजिस्टर करते समय डाला है, तो अकाउंट ओपन करते समय जो भी मोबाइल नंबर डाला है उसी जो मोबाइल नंबर है उसको हमें यहाँ एंटर कर देना है और कर देना है यहाँ से कंटिन्यू। तो फ्रेंड्स, इस तरह का इंटरफेस आएगा, आपके मोबाइल नंबर पे जो ओटीपी आएगा और रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे जो ओटीपी आएगा, दोनों डालने के बाद उसको हम कंटिन्यू कर देंगे। तो इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ जो है आपका पासवर्ड डालना है, आई पिन, और कंफर्म करना है आई पिन। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें अल्फा न्यूमेरिक पासवर्ड जो है हमारा बनाना है, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाना है, तो उसको हम कंटिन्यू कर देंगे। उसके बाद हमारा हो जाएगा इंटरनेट बैंकिंग रजिस्ट्रेशन, अकाउंट बन जाएगा। तो मैंने पासवर्ड बना डाला है, तो अब इसको कर देता हूँ टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करके कन्फर्म। फाइनली मेरा जो है इंटरनेट बैंकिंग जो है एक्टिवेट हो चुका है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, कंग्रेचुलेशन, योर आई पिन हैज़ बीन सक्सेसफुली रीसेट, वी रिकमेंड दैट यू लॉग इन। यहाँ पे लिखा हुआ है, क्लिक हियर टू लॉग इन लिखा हुआ है, तो हम यहाँ से अब लॉग इन हो सकते हैं। तो इस तरह से हम अपना इंस्टेंटली अकाउंट ओपन कर सकते हैं, सारी चीज़ें इंस्टेंटली हमको मिल जाएगा, इंटरनेट बैंकिंग भी इंस्टेंटली चालू कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।